सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई मैं जब आप देखें ग्राफिक स्टाइल, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इलस्ट्रेशन में इस तरह का रियलिस्टिक कैमरा किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम पिक्चर में जाएंगे और हम इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इलस्ट्रेटर में। जब भी इलस्ट्रेटर में आती है तो इस पर इस तरह क्रॉस का निशान होता है, इसको इनबैंड कर दे। मैंने पिकविच में जाके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दी है। मुझे ये कैमरा चाहिए था कहीं यूज़ करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं जब हम इसको जूम करेंगे तो इसकी क्वालिटी कितनी बुरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगा था। इसलिए वैसे तो काफ़ी थे लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए सेलेक्ट कर लिया। तो हम इसको ले आए, मैंने इसकी बैकग्राउंड भी रिमूव कर दी है। पिकविश में हमें वो एच डी क्वालिटी में देता है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्योंकि ये जहाँ से पहले से सेव थी वहाँ से इसकी क्वालिटी कम थी। सिंपली हमने जाना है, सबसे पहले हम सर्कल लेंगे एक, इसको हम इसके हिसाब से री एडिट कर देते हैं। इसको अब हम कर देते हैं शिफ्ट और आल्ट से थोड़ा बड़ा। ठीक हो गया। अब इसी की हम आल्ट से कॉपी ले लेते हैं, देन इसको हम कर लेंगे हम यहाँ पे। ये रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट कलर्स ताकि हमें पता चल सके हमारी आउटलाइन कौन सी है। इसको मैंने इसी पर लाकर दोबारा यहीं से हम छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने करनी है पेंस टूल से इसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आर्ट प्रेस करके आप जितना ज़्यादा जूम हो सके उतनी सिलेक्शन करें। उससे ये होता है कि आपकी सिलेक्शन क्लियर आती है। सिंपली हम इसको की सिलेक्शन करेंगे, अब आप देख रहे होंगे इसमें ये वाइट लाइन आ रही है क्योंकि हमारे पास वाइट कलर फिल है। तो हम इसको सिंपली बंद कर देते हैं और इसमें कोई डार्क कलर रख लेते हैं ताकि हमें ईजिली नज़र आ जाए। इस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। यहाँ से तो सीधी सीधी है, लेकिन यहाँ से आके आपने थोड़ी सी इसको गुलाई में लाना है और यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है। इस तरह ये आपकी सिलेक्शन होगी। अब हम इसका कलर एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ से ही आप कर दें तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन होगी। अब हम नीचे वाले की सिलेक्शन करेंगे, सिंपली यहाँ भी हम कलर चेंज थोड़ा कर देते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन इजीली हो जाए। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी गुलाई चाहिए। ये देखिए, आप ज़्यादा अगर जो ऊपर करेंगे तो आपका पेन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, इसलिए हाथ थोड़ा कम रखें। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर करेंगे। यहाँ से गुलाई थोड़ी सही नहीं आ रही क्योंकि हमारा हमने जूम किया, इसलिए पेन टूल इधर उधर हो रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो आप इजीली इसको रिसाइज इस तरह कर सकते हैं हैंडल की मदद से। अब ये मुझे कुछ बेटर लग रहा है।
ठीक हो गया। अच्छा अब नीचे वाले की सिलेक्शन हम करेंगे, वैसे ही इसमें भी हम वही करते हैं, इसको सिलेक्ट करके सिंपली इसके कलर, मैंने यहाँ से जस्ट इसको आप करेंगे तो कलर आपके एक्सचेंज हो जाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी सिलेक्शन कैसी है। पहले सिलेक्शन थोड़ी यहाँ से ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा सिलेक्शन की है। अब तीसरा हमारे पास ये है, यह पिक्सल बहुत ख़राब दिख रही है, इसलिए सिलेक्शन करना थोड़ी मुश्किल हो रहा है। देन सिंपली हम इस तरह सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर आकर हमें थोड़ी सी गुलाई की फिर से ज़रूरत है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे, देन हमारी ये तीनों सिलेक्शन हो गए। अब लास्ट सिलेक्शन हमारी ये ऊपर वाला एरिया है, इसकी हमने सिलेक्शन करनी है। सिंपली हमने फिर से पेन टूल पर जाना है। सबकी सिलेक्शन मैं इसलिए अलग अलग कर रही हूँ ताकि हम इजीली अलग अलग को दोबारा रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, कलर एक्सचेंज भी हो सकता है। यहाँ से हम सेंटर से इसकी गुलाई करेंगे, अगर आपको गुलाई ठीक से नहीं नज़र आ रही तो फिर से हैंडल्स की मदद से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक तरफ की तो सिलेक्शन कर ली, दूसरी तरफ की इसलिए ज़्यादा मैं सिलेक्शन नहीं करती तो अक्सर ख़राब भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। इसका इजी तरीका ये है कि हम आर्ट से इसको थोड़ा जूम करेंगे, देन सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हमने जाना है रिफ्लेक्ट में। रिफ्लेक्ट जब आ जाएगा तो ये आपको बता देगा कि ये रिफ्लेक्ट हो गया, हमने यहाँ पर प्रीव्यू पर टिक करना है, वर्टिकल लेना है और देन कॉपी कर लेनी। अब ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट आपने प्रेस रखना है ताकि ये बिल्कुल सिलेक्ट करके, आप देख रहे होंगे मेरी स्मार्ट गाइड ओपन है जो मुझे हमेशा गाइड करती रहती है, तो इस तरह आप कर लेंगे तो इस तरह आपकी इजीली सिलेक्शन हो जाती है और कॉपी भी हो जाती है और साइड से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको भी हम सेम वही मेथड करेंगे, रिफ्लेक्ट कॉपी देन शिफ्ट से, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी, ऐसे आपकी सिलेक्शन होगी। अब हम अपने पेज पर चले जाएंगे, हम अपने पेज पर आ गए हैं, हम अपनी सिलेक्शन को उठा के साइड पर कर देंगे। ये हमने कैमरा अलग कर लिया और अपनी सिलेक्शन अलग कर लिया है। अब आप चाहे तो इसको रख लें, नहीं तो डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। अब हमने इस पर वर्किंग करनी है, अब हम इन सबको शिफ्ट प्रेस करके इसमें कलर कर लेते हैं ब्लैक, यहाँ से भी आप सिंपली कर सकते हैं, ब्लैक मैंने कर दिया और इसकी हमने स्ट्रोक ख़त्म कर दी है। अब हमें चाहिए ये वाला पार्ट एंड ये वाला, मैं शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट करके बाहर ला रही हूँ और इसको अभी फिलहाल हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड पर। हमने अब इन दोनों पे वर्किंग करनी है ताकि हमारा साइड वाला एरिया तो बन गया, हमारे सेंटर वाला एरिया बन जाए। अब सेंटर वाला इस तरह किस तरह बनेगा,
तो हमने सिंपली यहाँ बाहर वाले पे, यहाँ से ग्रेडियंट हम लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर लेना। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोक पर अप्लाई हुआ, यहाँ से हम चेंज कर देंगे और स्ट्रोक में हमने रखना है ब्लैक कलर। स्ट्रोक हमने ना थोड़ी सी बढ़ा देनी है, इसको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, इसके ब्लैक कलर करेंगे और स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब हमने इसका कलर जब हमने किया तो हमारे पास यहाँ इस तरह आया है, हमने सिंपली इसकी तीन कर लेनी है। देन यहाँ से हम HSB सेलेक्ट करेंगे या फिर आप कलर गाइड्स में चले जाए तो आपके पास यहाँ पे टिंट और शेड्स मौजूद होते हैं। मुझे ग्रे कलर चाहिए तो यहाँ सिंपली मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ और ब्लैक पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रही हूँ। तो इस तरह का कुछ कलर हमारे पास आ जाएगा। हमने ग्रेडियंट लेना है और इसको सिंपली ऊपर से नीचे कर देना है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्ट्रोक ऊपर रखा है, हमने फिल ऊपर रखना है। अब इसको क्लिक करना है, देन ग्रेडियंट लेंगे और इसको ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ मूव कर देंगे तो हमारे पास थोड़ा इस तरह का आ जाएगा। यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी और हम कम कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, हम सबसे पहले ये ले लेंगे, यहाँ से एक हम डेल कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ फोर्ज कलर चाहिए। इसमें सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। सेकंड कलर हम ये वाला लेंगे, थर्ड ये, देन फोर्थ ये वाला। इसमें भी आप ग्रेडियंट अप्लाई करके इस तरह कर लें। इंटरवल का हमने सेलेक्ट करके ब्लेंड टूल पर क्लिक करना है और इसको इस तरह करना है। अगर ये इस तरह आए तो घबराइएगा मत, आपने कंट्रोल जी करना अंडू के लिए। देन इसकी हमने आउटलाइन लगाई थी, इसको आपने इस तरह से ऐसे कर देना है, ऑफ कर देना स्ट्रोक को। देन अब करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ब्लेंड हो गया है, उन्होंने एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। अब सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको अंदर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी हम सिंपली रख देते हैं स्ट्रोक, हमने ब्लैक में रखा था, ओके कर देंगे तो ये इस तरह का कुछ आ जाएगा। हम इसको छोटा कर लेते हैं, वापस हम अपने पेज पे आ जाएंगे। तो हमारे पास पहले हमने दो ली थी, अगर तीन भी आ जाए तो इसमें मसला नहीं, आप तीन भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं। आप सिंपली इसको करिए, अगर आपसे ब्लेंड टूल नहीं हो रहा तो आप सिंपली अलग से एक सर्कल ले लें। ये वाला मैंने अलग से सर्कल लिया था और इसकी सबकी अंदर वाले की ओपेसिटी बहुत कम कर दो, ग्रेडियंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आए तो इजीली आ जाएगा अब आपका। देन हमने ये वाली लाइन किस तरह बनानी है, ये भी हम सिंपली पेन टूल से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इजीली बना सकते हैं या फिर हम इस तरह से यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस वाली थोड़ी सी हम बड़ी बनाएंगे। देन सिंपली हमने लास्ट वाले कॉर्नर पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें। स्ट्रोक इसका हम ख़त्म कर देते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा। और इसको हमने कर लेना है रेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, इसको सिंपली हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा हम रोटेट करेंगे। ऑल्ट की मदद से मैं जूम करती हूँ, ये हमें बड़ा लग रहा है तो हम छोटा कर लेते हैं शिफ्ट और ऑल्ट से, ताकि ये
उसी साइज में छोटा हो। हम यहाँ पे रख सकते हैं, देन आप देख सकते हैं आपका रियलिस्टिक कैमरा बन गया है। अगर आपने इलस्ट्रेटर में बनाना है तो इस तरह आप किसी भी डिज़ाइन में कैमरा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। जैसा करवा।